ओके, डिसएडवांटेजेस ऑफ सीक्रेट की एनक्रिप्शन। ठीक है, द सीक्रेट की एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन हैज़ द फॉलोइंग डिसएडवांटेजेस। सबसे फर्स्ट, यहाँ पे ईच पेयर ऑफ यूजर मस्ट हैव ए सीक्रेट की। इफ द नंबर ऑफ पीपल वॉन्ट्स टू यूज दिस मेथड इन द वर्ल्ड इज एन, एंड देयर आर एन एन माइनस वन बाई टू सीक्रेट कीज, फॉर एग्जाम्पल फॉर 1 मिलियन पीपल, देन देयर आर हाफ बिलियन सीक्रेट कीज। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर कोई भी हम लोग कुछ एक ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं मान के चलो, और वहाँ पे 1 मिलियन पीपल मतलब 10 लाख लोग कनेक्ट किए हुए हैं। ठीक है, जैसे कोई एक मान के चलो हम लोग कोई एक सिटी के लिए हम लोग कोई जैसे रेडियो वगैरह को ब्रॉडकास्ट करते हैं ना, जैसे टीवी चैनल है या फिर इस टाइप का। ठीक है, तो वहाँ पे अगर कोई भी हम लोग मैसेज डिलीवर कर रहे हैं 10 लाख लोगों को, ठीक है, अगर उस मैसेज को हम लोग एनक्रिप्ट कर रहे हैं, मीन्स वहाँ पे हम लोग सीक्रेट की एनक्रिप्शन का वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एटलीस्ट 5 लाख सीक्रेट की हम लोग को वहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, तभी हम लोग क्या कर पाएंगे, उस पे एनक्रिप्शन अप्लाई कर पाएंगे और हम लोग का मैसेज जो है सक्सेसफुली एनक्रिप्टेड होगा। ठीक है, तो क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि दो लोग, देखो जो एक कॉमन की है वो तो रहेगा ही, ठीक है, साथ में जो 10 लाख लोग वहाँ पे कर रहे हैं जो आपस में कम्युनिकेट भी करेंगे उसको, ठीक है, तो दो लोग आपस में कम्युनिकेट करेंगे, दोनों एक ही सीक्रेट की को शेयर करेंगे। इसीलिए मतलब जितना अगर 10 लाख लोग है तो 10 लाख लोगों में 5 लाख लोग तो मतलब आपस में कम्युनिकेट करेंगे, तो वहाँ पे एक एक्सपेक्टेशन बनती है कि 5 लाख लोग जो है वो कम्युनिकेट करेंगे और दोनों में एक ही सीक्रेट की शेयर होगी। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे जो एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि वहाँ पे सीक्रेट कीज भी है जो ट्रांसफ़र करना पड़ता है मैसेजेस के साथ में, या फिर कोई एक अलग तरीके से हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि एक्चुअल में जो जितने लोग भी कम्युनिकेट कर रहे हैं वो कितने होंगे, एक्चुअल में नहीं पता है हमें। ठीक है, अगर कुछ बढ़ भी सकते हैं, कुछ कम भी हो सकते हैं। ठीक है, कोई मान के चलो एक जो पर्सन है वो 2-3 लोगों के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे सीक्रेट की जो है वो शेयर होते हैं और कुछ अलग अलग टाइप के सीक्रेट की वहाँ पे होंगे, मतलब एग्जैक्ट जो ये फॉर्मूला है यहाँ पे एन एन माइनस वन बाई टू ये काम नहीं करेगा उसमें। ठीक है, तो रैंडमली वहां पे जनरेट किया जाता है सीक्रेट की जो है और मैसेजेस के साथ शेयर किया जाता है। तो जितने भी आजकल के मैसेजिंग एप्स वगैरह होते हैं, ईमेल मैसेजिंग हो गया है, चैटिंग मैसेंजर्स वगैरह जो होते हैं, तो वहां पे भी जितने लोग कम्युनिकेशन करते हैं वहां पे, जैसे मैंने किसी एक पर्सन के साथ मैंने वहां पे क्या किया, चैटिंग स्टार्ट किया, तो मेरा और उसका उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए सीक्रेट की होगा। ठीक है, मैंने एक ही टाइम पे 4-5 लोगों के साथ चैटिंग कर रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे मेरे पास तो मेरा होगा ही। ठीक है, मैं जैसे ही मैसेज सेंड करूँगा उसके साथ में एक सीक्रेट की जाएगा, मैं रिसीव करूँगा उसके साथ एक सीक्रेट की आएगा। ठीक है, तो उस प्रकार से यहाँ पे जो फॉर्मूला जो है रैंडम वर्क करते जाते हैं। ठीक है, तो एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ा लॉजिक होता है, और जितने भी मैसेजेस है, ठीक है, क्योंकि रियल टाइम पे अगर हम लोग को करना है, हम लोग अभी सिर्फ देख रहे हैं, ठीक है, मैसेज ट्रांसमिट हुआ उसके साथ में एनक्रिप्शन की जो है सीक्रेट की एनक्रिप्शन की वो जा रहा है। ठीक है, लेकिन जब उसको रियल टाइम की अगर हम लोग बात करें, तो रियल टाइम में ऐसा नहीं कि सिंगल सिंगल पर्सन ही चैटिंग करते हैं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, मल्टीपल ग्रुप्स में चैटिंग होती है, मल्टीपल लोग आजकल जो कॉन्फ्रेंस कॉल्स वगैरह भी जो होते हैं, ठीक है, वॉइस कॉल्स या वीडियो कॉल्स, सारे के सारे एनक्रिप्शन होते हैं। ठीक है, तो एनक्रिप्शन को यूज़ करके बहुत सारे चीज़ें की जाती है, तो रियल टाइम में उसको यूज़ करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, और उतने टाइम पे उसको एग्जीक्यूट होना है और वापस से कोड डिकोड सब चीज़ करना है, मीन्स मैसेज को एनक्रिप्ट भी करना है और वहाँ से जो मैसेज रिसीव हो रहा है उसको डिक्रिप्ट भी करना होता है, तो ये सारी चीज़ें बहुत फास्ट की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सीक्रेट कीज जो होती है उसको कैलकुलेट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है।
ठीक है, अगर मान के चलो 100 पीपल है तो 50 शेयर्ड की होनी चाहिए, ऐसा अनुमान लगाया जाता है वहाँ पे। एग्जैक्ट काउंट कभी नहीं पता चल पाता है, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी पे काम करते हैं। ठीक है, तो जितने भी ये सब एनक्रिप्शन या डिक्रिप्शन जो होते हैं वो जनरली प्रोबेबिलिटी पे ही काम करते हैं। इसका एक फॉर्मूला जरूर बनाया गया एन एन माइनस वन बाई टू, लेकिन जब भी अगर लार्ज स्केल की अगर बात किया जाए तो लार्ज स्केल में थोड़ा सा फ्लक्चुएट करता है ये सारी चीज़ें, तो ये भी एक प्रकार का डिसएडवांटेज है सीक्रेट की एनक्रिप्शन का। ठीक है, सेकेंड यहाँ पे देखते हैं, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कीज अमॉन्ग डिफरेंट पार्टीज कैन बी वेरी डिफिकल्ट, दिस प्रॉब्लम कैन बी रिजॉल्व बाई कंबाइनिंग द सीक्रेट की एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन विद द पब्लिक की एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन एल्गोरिथम। ठीक है, अब यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कीज होते हैं, ठीक है, जितने भी मैसेजेस वगैरह ट्रैवल होंगे, ठीक है, जितने भी मैसेजेस वगैरह ट्रैवल होंगे, हम लोग बहुत सारी चीज़ें शेयर करते रहते हैं, लाइक कोई इमेज शेयर कर रहा है, वीडियो शेयर कर रहे हैं, या फिर कुछ कुछ और चीज़ें शेयर हो रही है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें शेयर करते रहते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें, मान लो कोई एक इमेज है, हम लोग 10 लोग को भेजें। ठीक है, जैसे कि पहले क्या होता था कि जब व्हाट्सएप जब हम लोग यूज़ करते थे तो व्हाट्सएप में जब एनक्रिप्शन नहीं लगाया जाता था, मतलब आज से 3-4 साल पहले की बात है, तो हम लोग कोई भी एक इमेज को मल्टीपल 10 लोग को 50 लोग को एक साथ शेयर कर पाते थे। लेकिन जब एनक्रिप्शन उन्होंने अप्लाई किया उसमें, ठीक है, एंड टू एंड एनक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट जब लगाया व्हाट्सएप में, तो उन्होंने उस लिमिट को कम कर दिया। मतलब हम लोग एक मैसेज को फॉरवर्ड कितने लोग को कर पाएंगे, 5 लोगों को ही कर पाएंगे। ठीक है, तो वो किस लिए किया होगा, ताकि वो एनक्रिप्शन में नंबर ऑफ कीज को डिस्ट्रीब्यूट कर सके। ठीक है, एक की है उसको 5 लोगों में शेयर कर रहा है, मैंने एक मैसेज भेजा, मैंने एनक्रिप्ट करके एक मैसेज भेजा और साथ में की भेजा, वो किस किस को जाएगा, 1 2 3 4 5 लोग को जाएगा। ठीक है, तो वहां पे जो कीज का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, वो काफी मुश्किल होता है। ठीक है, इसीलिए देखना जो आज के डेट के मतलब जो बॉट्स वगैरह आजकल बनते हैं, ठीक है, जो चैटिंग बॉट्स होते हैं, चैट बॉट्स सुने हो आप लोग, ठीक है, तो ये सारे एप्लीकेशन क्या होते हैं, अगर मान के चलो हम लोग उसमें एनक्रिप्शन लगा दिए, ठीक है, तो वो एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन का भी कुछ ना कुछ टाइम लेगा। ठीक है, और वो टाइम जितना लेगा उतना वो लेट रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, रिस्पॉन्स लेट हुआ तो ऐसा नहीं कि वो एक ही मैसेज अगर हम लोग भेज रहे हैं, मतलब एक ही चीज़ को वो लेट कर रहा है, रिस्पॉन्स लेट कर रहा है, वैसे हम लोग मल्टीपल क्वेरीज वहाँ पे देते जाते हैं, मल्टीपल क्वेरीज के रिस्पॉन्स लेट कर रहा है वहाँ पे। ठीक है, तो जनरली जो सीक्रेट की एनक्रिप्शन वगैरह होते हैं तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है कीज का। वैसे अगर मान के चलो एक हम लोग एलेक्सा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, एलेक्सा में हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन किए उसने आंसर दिया, कुछ रिक्वेस्ट किया उसने रिस्पॉन्स दिया। ठीक है, हमने बोला कि टीवी ऑन कर दो तो टीवी ऑन हो जाता है। ठीक है, अगर मान के चलो वहाँ एनक्रिप्शन दे दिया, मैंने वहाँ पे मेरा वॉइस जा रहा है, ठीक है, मेरा वॉइस जो है वो एनक्रिप्ट करके मैंने भेजा। ठीक है, मान लो मैंने खुद से नहीं बोला, किसी डिवाइस से भेजा, अब वो वॉइस को एनक्रिप्ट तो कर नहीं सकता। वॉइस को अगर मान लो थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया, ठीक है, मान के चलो जो वॉइस हमारी थी, ठीक है, क्योंकि वो तो मशीन है ना, वो तो एल्गोरिथम पे काम कर रहा है, अगर वो मान के चलो थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया, फॉर्मूला उसमें गलत बैठ गया, तो वॉइस को डिटेक्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, जैसे एक बहुत रियल एग्जांपल मैं बताता हूँ।